विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी देवी, आज आपको कक्षा 6 में हिंदी के इकाई 7 पूछो तो जाने का अभ्यास कराऊंगी। इसमें कुछ पहेलियां दी गई हैं। पहेलियों में क्या होता है कि कुछ रमूजी प्रश्न दिए जाते हैं जिसका जवाब या उत्तर हम जो सोचते हैं उतना सरल नहीं होता, उससे कई अलग प्रकार के उत्तर उसके देखने मिलते हैं। तो यहाँ हम कुछ पहेलियां देखेंगे। सबसे पहली है, फल देखकर सफल हुए हैं, हरियाली फल लाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। यानी खुद सफल हुए क्या देकर, हमें फल देकर खुद सफल हुए हैं और पूरी धरती पर वह हरियाली फैलाते हैं। उससे हमें क्या क्या मिलता है, फूल फल उसकी जो जड़ होती है वह भी हमें काम आती है, छाल और उसके बीज भी हमें काम आते हैं या उपयोगी है, यह सब देखकर वह हम सबको सुखी बनाते हैं। तो सही उत्तर क्या है, पेड़ वृक्ष, उसके कई जो फूल है फल है वह हमें कई तरह से उपयोगी होते हैं और हम सबको वह धरती पर हरियाली फैला के हमें सुखी बनाते हैं। दूसरा है, पत्थर का पर ऊंचा है, मन उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के हैं रखवारे। अब हम जानते हैं कि वन यानी कि जंगल किससे बना होता है, वृक्षों से, पर यहाँ का क्या बताया गया है कि वन है जंगल है किससे बना है, पत्थरों से बना है, उसका मन जो है वह ऊंचा है। उगते पेड़ घने सारे, उसमें कई तरह के ज्यादातर पेड़ उगते हैं, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के हैं रखवारे। अब उससे वह क्या है, तो उद्गम स्थान यानी कि जहाँ से नदियों या झरनों का उद्गम या जन्म होता है वह यहीं से होता है, भूतल के हैं रखवारे, भूतल यानी कि जमीन के वह रखवारे है। तो सही उत्तर है पर्वत, यानी कि यहाँ यह पत्थर का वन है, यानी कि कई तरह के पत्थर हमें उस पर देखने मिलते हैं, उसके पुष्पे कई तरह के पेड़ भी होते हैं, नदियों और झरनों का उद्गम स्थान भी होते हैं और जमीन के वह रखवाली करते हैं। आगे देखते हैं, स्वयं रबी की प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। स्वयं रबी यानी कि जो खुद का पानी है वह खुद नहीं पीती, स्वयं यानी कि खुद प्यासी रहती, अपना पानी खुद न पीकर वह प्यासी रहती है, देती जग भर को पानी यानी दूसरे सभी लोगों को पानी देती है, खेत सींचती नाव चलाती, खेत यानी कि उसके पानी से खेत सींचे जाते हैं, उसके पानी में नाव चलती है, बहती हूँ मैं मनमानी यानी कि मनमानी ढंग से वह बहती है। उसका सही उत्तर है नदी, उसे का उद्गम स्थान जहाँ से होता है पर्वत से, और वह अपना रास्ता खुद बना लेती है और अपना पानी वह खुद नहीं पीती और हम सबको पानी देती है, उसकी पानी में पानी से खेतों की सिंचाई होती है और उसमें नाव भी चलाई जाती है। आगे है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रखता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछू मान। अब उसका तन कैसा है, हरा भरा है और हमेशा वह रस से भरा रहता है, अंदर से वह कैसा, भीतर यानी कि अंदर से लाल है और अगर हम उसे पीते हैं उसे खाते हैं तो हमारी प्यास बुझाकर हमारा हाल पूछता है। उसका सही उत्तर है तरबूज या कली। पक्के मित्र करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक के साथ लेकिन करते कभी न बात। हम दोनों है पक्के मित्र यानी कि दो लोगों की बात की गई है, वह कैसे है, पक्के मित्र है, करते रहते काम विचित्र, दोनों मित्र है वह अलग अलग विचित्र काम करते रहते हैं, उसके साथ कितने पांच पांच सेवक उसके साथ है लेकिन वह कभी आपस में बात नहीं कर सकते, अपने आप से बात नहीं कर सकते। उसका सही जवाब है दोनों हाथिया हथेली, दोनों के साथ पांच पांच सेवक है और दोनों पक्के मित्र है लेकिन कभी आपस में बात नहीं कर सकते। आगे है, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी हेन जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूँ। कभी पतला होता है कभी मोटा होता है और कभी हेन यानी वो हेन जैसा गोल होता है, उसकी कोई बहन नहीं है लेकिन सभी बच्चे उसे क्या करते हैं, मामा करके पुकारते हैं। उसका सही उत्तर है चंदा या चंदा, हम सब चंदा मामा के नाम से इन्हें जानते हैं। कभी वह छोटा होता है कभी बड़ा होता है और कभी एकदम गोल दिखाई देता है। आगे है, बड़े सभी